वेक्टर के बेहद ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि दो सदिशों के हम लोग अदिश गुणन कैसे करते हैं वो, या फिर क्या कहना होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, हमें क्या निकालना है, वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काफ़ी सवाल होते हैं, यानी काफ़ी यूज़फुल। आप सवाल लगाते हो तो वेक्टर में डॉट जो प्रोडक्ट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए डॉट बी, यानी जब ए स्कॉलर या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहेंगे तो ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक तो मेरे का डॉट निकालना होता है, सेकंड चीज यहाँ पे कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा के हेल्प से उनके कोण भी ज्ञात करते हैं, एंगल्स भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से हम लोग क्लियर करेंगे, चलो एग्जांपल समझाते हैं और फिर देखते हैं कि ये सवाल कैसे किया जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, दो से तीन एग्जांपल, ताकि क्लियर हो सके किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। आपके सामने पहले एग्जाम्पल लिखा है, यदि ए वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप और के कैप है तो, और यहाँ पे बी वैक्टर दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो, तो ए डॉट बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पर एक चीज़ पहले जान लेते हैं इसे करने से पहले कि अगर यहाँ पे जो रूल्स होता है कि डॉट प्रोडक्ट्स करते हैं तो आई डॉट आई जब करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है वन, इसी टाइप से जे डॉट जे की वैल्यू करेंगे तो इसका मान भी वन होता है, वही के डॉट इंटू के कैप का भी मान वन होता है, यानी अगर एक जैसे हैं तो यहाँ वन आएगा। अगर वही थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, जैसे आई के साथ जे का डॉट कर दिया तो जीरो हो जाएगा, जे के साथ के कैप कर दिया जीरो हो जाएगा, के साथ आई कर दिया तो जीरो हो जाएगा। डैट मीन अगर एक जरा सा भी डिफरेंट होता है किसी और से, यानी कि एक जैसे नहीं है, तो वहाँ पर जीरो आ जाता है। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आई का आई से करने वन होता है, जे जे कैप करें वन होगा, के कैप करें तो वन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से हम अब सवाल करते हैं, क्या कह रहा है ए डॉट बी, हम लोग क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका मान फाइंड करना है, इसके साथ वैल्यू रखेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट करेंगे किसका, दूसरे वाले का, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप करेंगे। जब मल्टीप्लाई करें तो आई का आई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई इंटू आई कितना होता है वन, या लिख के दिखा सकते हैं आई डॉट आई प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस जे का जे से करेंगे, फिर यहाँ पर क्या आया माइनस प्लस माइनस फिर से आ रहा है तो के कैप इंटू के कैप हो जाएगा। तो आई डॉट आई का मान वन होता है, यहाँ भी जे डॉट जे का वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया माइनस वन। इस जगह से डॉट निकाल लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं, आप थोड़ा नंबर आते समझ में आ गया होगा, थोड़ा नंबर से मैं चेंज करते हैं, हमने टू लिख दिया, यहाँ पर थ्री लिख दिया, यहाँ पर ऐसे रहने दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया थ्री लिख दिया, और यहाँ पर ऐसे रहने दिया, यहाँ हमने फोर लिख दिया। अगर ये निकालना है तो क्या होगा, तो ये भी ऐसे ही प्रोसेस होगा, तो देखते क्या करना है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बस मैंने यहाँ थोड़ा नंबर लिख दिया ताकि समझ आ सके, अगर नंबर आएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे सवाल पर लिख लेंगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग थ्री आई माइनस जे प्लस फोर के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आई का आई से करेंगे, जे का जे से और के का के से करेंगे, तो इसका निश्चित में क्या होगा देखिए, तो नंबर्स के नंबर से करेंगे तो दो तीन छः हो गया, टू थ्री जो सिक्स हो गया, आई डॉट आई बन रहा है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पर थ्री है और आगे कोई नंबर नहीं, यहाँ पर यानी थ्री रहेगा, इस टाइप से यहाँ आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप माइनस प्लस माइनस फोर बन जा फोर आ रहा है, के कैप डॉट के कैप तो यहाँ पर सिक्स हो गया, आई डॉट आई का मान कितना होता है वन होता है। ठीक है, यहाँ में क्या मिल जाएगा इनकी वैल्यू वन हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या होगा वन हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर हो गया, तो फाइनली जो रिजल्ट मिला हम लोग को माइनस फोर ये हो गया, माइनस का सेवन और माइनस का वन, तो हमें आंसर फिर से क्या मिल गया माइनस वन मिल गया। यानी इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हमें कॉस थीटा अगर हमें कोण निकालना है कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो वो भी जान लेते हैं। इस टाइप के सवाल आपको सेम, बस ये आपको याद रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट ए का जो मल्टीप्लाई होता है वो वन होता है।